यूपी के बलिया में पाक पवित्र महीना रमजान शुरू हो गया है। खुशी की ये बात है कि पहला रमजान ही जुम्मे के दिन यानी शुक्रवार को पड़ा। वहीं शुक्रवार कलेक्टर परिसर में मुस्लिम समुदाय के विभागीय कर्मचारी अधिवक्ता समेत सैकड़ों लोगों ने रमजान का पहला नमाज अदा किया है। इस दौरान नमाजियों ने कहा कि यहाँ सैकड़ों सालों से नमाज अदा की जाती रही है। वहीं रमजान में लोगों ने सकारात्मक संदेश दिया है। बलिया से नवल जी की रिपोर्ट। मेरा नाम मोहम्मद राशिद है। मैं यहाँ वकालत के पेशे में हूँ, दीवानी न्यायालय में वकालत करता हूँ। यहाँ जुमा के दिन आता हूँ नमाज़ पढ़ने के लिए। और आज से हम लोगों का रमज़ान का महीना शुरू हुआ है। ये लगभग 29 या 30 दिन ये चलेगा। इस दरमियान में हर जुमे को यहाँ हम लोग आकर के अपनी नमाज़ अदा करते रहें, नमाज़ अदा करते हैं। और यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, बाकी तो इबादत हम लोग करते हैं जिस तरह से रोज़ा है, नमाज़ है। पवित्र दिन की शुरुआत हो चुकी है, क्या कुछ कहना चाहेंगे बलिया के लोगों? बलिया के लोगों से ये कहेंगे कि साहब जितने लोग हैं वो अल्लाह के अहकाम को की पाबंदी करें, उसको पूरा करें, अपने ऊपर लागू करें। हर आदमी अपने ऊपर लागू करें जो अल्लाह ने कहा है, और क्या कहेंगे हम। कब से आप लोग यहाँ नमाज अदा करते हैं, कब से कितने? ये नमाज तो मैं समझ रहा हूँ कि जब से ये बलिया जनपद की बिल्डिंग ये बनी है, यहाँ शुरू हुआ है जिला मुख्यालय, तब से नमाज हर जुमे को पढ़ी जाती है। वो सही सिलसिला चला रहा है। 34 साल से तो मैं वकालत कर रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ। मेरे पहले भी कितने लोग आए, पढ़े और गए। मैं उमरगंज जाम हुसैन बगदाद मदरसे का मदरिस हूँ और यहाँ इमामत करता हूँ ज़माने से, 15-20 साल से। उससे पहले भी लोग इमामत करते चले आ रहे थे और 15-20 साल से मैं इमामत कर रहा हूँ। तकरीबन यहाँ नमाज कम से कम सैकड़ों साल से होती चली आ रही है। रमजान शरीफ का पहला अशरा है। आज से क्या कुछ शुरुआत है और कैसे आप लोग? आज का पहला रोज़ा हम लोगों का है और आज की पहली रात से हम लोग तरावी पढ़ते चले आ रहे हैं। रमज़ान में पूरा एक ख़त्म कुरान शरीफ सुनना ज़रूरी है और 3 मरतबा सुनना सुन्नत है। तो आज पहला नमाज अदा किया गया जी। आज का यहाँ जुमा का पहला जुमा की ही नमाज होती है।